श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए सुख से सके हर सके श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चौदहवां प्रकरण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नेत्रों का वर्णन है। तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उनसे कैसे प्रेम रस टपकता है, ये सारी विशेषताएं एक एक करके समझाइए। देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर सनकूल। अब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नयन कमलों के दर्शन करते हैं। जो रूहों पर सनकूल, जो ब्रह्मात्माओं पर सदैव प्रसन्न रहते हैं, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। अरवाह जो अर्श की, परमधाम की जो आत्माएं होंगी, सो जिन जाओ छिन मूल भूल। तो एक क्षण के लिए भी ये बात मत भूलना कि तुम्हारे ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा दृष्टि अमृत वर्षा रही है। वो स्मरण करते रहेंगे तो कभी भी इधर उधर विचलित नहीं होंगे। हम भूल जाते हैं, कहीं एक कोने में छिप गए और वहाँ जाकर के पाप करने लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई देखता नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो इसलिए वो समझा रहे हैं, देखो ये बात मत भूलना कि तुम कहीं भी हो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और वो भी कृपा दृष्टि है। दिल अरस नाम धराए के नयन वरन नूर जमाल। हम भी अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नयन कमलों का वर्णन करने जा रहे हैं। और एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे हृदय को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने धाम बनाया, उनको हृदय में बैठा करके उनके नेत्र कमलों का वर्णन करने जा रहे हैं। हाय हाय छेदन पड़े छाती में, तो हमारे हृदय, हमारा हृदय क्यों विदीर्ण नहीं हो रहा है, ये बड़े खेद की बात है कि रोम रोम लगे ना रू अभाल। तो हमारे आत्मा को, आत्मा के भी मानो आत्मा का ही शरीर हो तो उसके रोम रोम पर ये बात चुभनी चाहिए भाले की तरह से कि हम अपने हृदय, एक तरफ तो बोलते हैं कि हृदय कमल में बैठाना है और दूसरे तरफ फिर उनको बाहर हैं ऐसा समझ करके उनका वर्णन करने जा रहे हैं। तो उनका तो रसपान करना चाहिए, तो ये भाव बताना चाह रहे हैं। और अब एक अब समझा भी रहे हैं कि इन सब उसको, इन दृश्यों को देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, किंतु इस तरह से समझना चाहिए कि हम इनको हमारे हृदय में बैठा करके हम अनुभव कर रहे हैं। जो अरवा कहावे अर्श के सुने बेशक हक बयान, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बातों को सुनती भी है, तो उनके वर्णन को, उनकी विशेषताओं को का श्रवण भी करती है। हाय हाय झूठी देह को छोड़ के पहुँच तना तित प्राण। तो ये बड़े खेद की बात है कि ये झूठे देह को छोड़ कर के ये आत्मा वहाँ तक पहुँची नहीं है। प्राण छोड़ करके उसको तो पहुँच ही जाना चाहिए, तो फिर तो वर्णन करने का कोई प्रसंग ही नहीं आएगा ना, प्रत्यक्ष देख लो।
तो ये बता रहे हैं कि हम बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, ये हम शौक से नहीं बता रहे हैं, ये तो ब्रह्मात्माओं के लिए जो भी जिनको जिज्ञासा होती है वो समझें, उसके लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहला रहे हैं। हमें कोई वर्णन करने का ऐसा शौक नहीं है, हम तो उसे में ओतप्रोत हुए हैं, वो बात समझाना चाह रहे हैं। सिफत पाई हक नयन की, हक नयनों में गुण अपार, जैसे हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नयन कमलों की महिमा का ज्ञान हुआ तो हमें पता चला कि उसमें तो अनेक गुण हैं, उनमें हक नयनों में गुण अपार अपार गुण हैं। सो गुण अखंड अरस के ए रंग हमेशा करार, वो गुण भी कैसे हैं कि परम धाम के गुण हैं, वो परम धाम भी अखंड अखंड धाम के गुण उसमें हैं। तो ए रंग हमेशा करार, ये रंग है, इस प्रकार की समझ होने के बाद में तो जो आनंद प्राप्त होता है ना, वो आनंद से हमारे अंतर में पूरी पूरी तृप्ति हो गई है, तो उससे बड़ी संतुष्टि हुई। गुण नयनों के क्यों कहूँ, किंतु अब इन गुणों को बताना है तो उनका क्या बताएं। रंग भरे रसीले, रस भरे रसीले, वो तो रस से परिपूर्ण है, तो कौन सा रस है, वो प्रेम रस है, प्रेम रस से परिपूर्ण है। और वो रंगीले, तो रंगीला शब्द का एक तो दुनिया में है लौकिक भावना के हिसाब से बोलते हैं, उस दुनिया के रंग में नहीं, ये प्रेम रंग है, वो आत्मा का रंग है, परमात्मा का रंग है, उस रंग में रंगे हुए। मीठे लगे मरुर ते, जब वो अपने दृष्टिपात करते हैं तो जैसे अब उनके सामने तो अनेक आत्माएं हैं, एक के तरफ दृष्टिपात की, दूसरे की तरफ तो दृष्टि बदलती है ना, तो वो मोड़ना मरोड़ना। अति सुंदर अलबेले, वो अत्यंत सुंदर लगते हैं, और अलबेले तो किधर से भी देखो उधर से अच्छे लगने लग जाएंगे, तो सीधा हमारे ऊपर देख रहे हैं तो भी बड़े अच्छे लगेंगे, दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो हमें लगता है कि वो तिरछी नज़र उनकी है तो भी अच्छे लगेंगे। इस प्रकार के ये नयन कमल हैं। शोभावंत कई सुख लिए, ऐसे अपार सुखों से वो अपार सुख और अपार शोभा धारण किए हुए हैं। तेजवंत तारे और आँख की पुतली है उसमें भी बड़ा तेज है। मंके नयन मरुर तमाशुक, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी तिरछी दृष्टि डालते हैं उस समय सब अंग भेदतः अनियारे, तो उनकी आँखें नुकीली आँखें उनको देख करके, उनको दर्शन करके हमारे अंगों के रोम रोम हैं, शरीर के रोम रोम हैं, वो बिंद जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, देखने पर देखते ही रहें ऐसा लगेगा, इधर उधर अब मन भी नहीं भटकेगा, दृष्टि भी नहीं भटकेगी। मेहर भरे मासुक के सोहे नयन सुंदर, तो उनके नयन कमल है वो प्रेम से परिपूर्ण है और बड़े सुंदर हैं, प्रेम भरे हैं और उनमें से प्रेम ही टपकता है, जिधर भी दृष्टि पड़ती है तो वो प्रेम रस की वर्षा हो रही है। अथवा तो आगे जाकर के वर्णन करेंगे कि किसी पात्र से प्रेम भर भर करके दे रहे हैं, अब ये नेत्र पात्र ही है, उनसे प्रेम भर भर के उड़ेल रहे हैं और हम अपने पात्रों से उनको पीते जाएं, इस प्रकार से होता है, तो वो बताएंगे। भ्रिकुटी श्याम शोभा लिए, उनकी भ्रिकुटी है वो श्याम शोभा, ऐसे वो श्याम रंग की उस प्रकार की शोभा धारण की हुई, बड़ी सुंदर है। चुभ रहत रूह अंदर, तो आत्मा तक वो चुभ जाती है, केवल बाह्य दृष्टि में ही नहीं, वो हृदय तक और हृदय से भी जा करके और आगे बढ़ करके
आत्मा तक चुभती है, कहने का तात्पर्य आत्मा में अंकित हो जाती है, आत्मा उनका दर्शन करती है। जो तथारता कई जुगते निहाय त मान भरे, उनके आँख की ज्योति है। तो आँख की ज्योति कैसी है? तो ऐसी है कि वो देखने से ऐसा लगता है कि वो ऐसे चंचल भी नहीं है, और मान भरे तो पूरे पूरे मर्यादा और पूरा उसके उसमें, जैसे क्या होता है कि बच्चों में चंचलता होती है, ऐसे कुछ चंचल लोग होते हैं तो उनमें चंचलता होती है, तो बड़े लोगों में गंभीरता होती है, तो वो गंभीरता युक्त है, ये कहना चाह रहे हैं। लज्जा लिए पल पापन, और वो आँख के पलक झपकते हैं तो भी बड़े ढंग से झपकते हैं कि बड़े ध्यान से एकदम फटाफट वो कर दें, उद्दंडता से ऐसे नहीं है पूरे उसके साथ में। तो उसके लिए यहाँ पर लज्जा शब्द का प्रयोग किया है। आनंद सुख अगर ये आनंद और सुख उनका आगार भंडार है, ये उनके नयन कमल हैं, ऐसे अपार सुख का भंडार, सुख के भंडार हैं। नयनों की गति क्यों कहूँ गुणवंती गंभीर। अब नयनों की गति की बात करें तो क्या बताएं, इतने गुण भरे हुए हैं, उसमें गंभीर्य भी है। चंचल चपल ऐसे लगे, अब सबको देखते हैं तो एक साथ में देख लेते हैं, तो इससे लगता है कि वो बड़े चंचल हैं और चपल हैं, ऐसे भी लगता है। किंतु सालत सकल शरीर, वो पूरे हमारे शरीर के रोम रोम को वो बीध देते हैं। तो उसका तात्पर्य यह है कि नयन कमल के दर्शन करते हैं तो हमारे रोम रोम प्रफुल्लित होते हैं, और रोम रोम में वो स्वरूप अंकित होता है। नूर भरे नयना निर्मल प्रेम भरे प्यारे, नूर अत्यंत तेज से परिपूर्ण है, ऐसे सामान्य भी नहीं है, बड़े तेज है, इससे परिपूर्ण है, बड़े ही निर्मल हैं, प्रेम भरे प्यारे, प्रेम से परिपूर्ण है और बड़े प्रिय लगते हैं। रस उपजावत रंगसो, अब वो प्रेम रस को प्रकट करते हैं, कहने का तात्पर्य रस उपजावत, वो प्रेम रस कोई प्रकट करते हैं, और रंगसो वो भी प्रेम रंग से, प्रेम वो प्रेम से भरे हुए हैं, और हम उनको देखते हैं तो वो हमारे अंदर भी प्रेम प्रकट होता है, तो प्रेम उपजाते हैं। मानो अति कामनगारे, कामनगार का तात्पर्य कमनीयता, जैसे संस्कृत में कमनीयता बोलते हैं, तो वो बड़े कमनीयता उसको ही बोलते हैं कि जैसे आकृष्ट करने वाले, मनोहारी, मन को हरण करने वाले, तो ऐसे देखते हैं तो उनमें वो कमनीयता उसको बोलते हैं। तो वो हमें जैसे हम देखते हैं तो देखते ही रह जाएं, ऐसे आकृष्ट करते रहते हैं। जब खैचत भर कशिश, जब वो पूरे वो आकर्षण आकृष्ट, जब खैचत भर कशिश, तो जैसे वो खींचना बोलते हैं ना, तो वो अब आँखों से भी बाण मारते हैं, तो अब वो एक तो साहित्य में होता है, दूसरा भक्ति रस में। तो दृष्टिपात करते हैं तो जिसके ऊपर दृष्टि पड़ती है तो उसको आकृष्ट करते हैं, खींचते हैं। तब मुतलक डारत मार, तो ऐसा लगता है कि जो आत्मा आकृष्ट हो जाती है तो उसकी तो देह की शुद्धि नहीं रह जाती है, वो तो घायल हो जाती है बिल्कुल, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, उसको लिए मार डालना ये कहा, दूसरे कोई मार डालने की बात नहीं है। इन विध भेद सब अंगों, इस प्रकार रोम रोम को, सब अंग का तात्पर्य रोम रोम को बींधते हैं। मूल तन मिटत बेकार, इस प्रकार से मूल तन, इसके लिए
जो आत्माओं का भी मूल स्वरूप परमधाम में है परात्मा, तो उसको स्वप्न देखने का जो भाव है ना, आकर्षण है, वो विकार, तो उसको बिल्कुल मिटा देते हैं। अब उनको स्वप्न के प्रति रुचि नहीं रहेगी। तो इन दृष्टि के दृष्टि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दृष्टि नयनों के दर्शन करते हैं, तो अब उनको दुनिया देखने की चाहना नहीं रहती, उसके पूरे विकार मिट जाते हैं। निपट बंकी छवि नयन की, इस प्रकार उनकी बंकी छवि, तो वो तिरछी नयनों की तिरछी छवि है, तो इस प्रकार नूरे के तारे कारे, तो वो अब उसमें जो आँख की किकी बोलते हैं ना गुजराती में, आँख की पुतली, तो वो कैसे है, वो श्याम रंग की है और तारे हैं, आँखों के तारे भी बोलते हैं हिंदी में और पुतली भी बोलेंगे, तो ये उस तरह से वैसे वो श्याम रंग के हैं, किंतु उनके चारों तरफ क्या है, शोभे श्वेत लाल कर लिए, श्वेत रंग और उसमें भी लालिमा है, जैसे उसमें देखेंगे जैसे बच्चों में युवाओं में, तो उनकी आँखों में सफ़ेदपन तो है ही आँखों के अंदर, किंतु उसमें लालिमा रहती है, और जैसे शरीर में से ओज चला जाता है उसके बाद में फिर वो फीकापन आ जाता है, तो इसलिए उसमें लालिमा होनी चाहिए, ओज होना चाहिए। लिए नूर ज्योत जियारे, तो वो नूर ज्योति दिव्य प्रकाश, तो उसकी वो ओज होता है, वही एक प्रकार का दिव्य प्रकाश है, इस प्रकार से वो उजियारे, ऐसे वो चमकने वाले उजाले हैं, प्रकाशवान है। बड़े लंबे टेढ़े के लिए, तो अब ये लंबी आँखें वो शोभा के लिए, तो दुनिया में भी जिनकी आँखें थोड़ी सी लंबी होती है तो उनको भाग्यशाली माना जाता है, तो ऐसे परमात्मा के नयन कमल का वर्णन करते हैं, तो वहाँ भी इस प्रकार से ऐसी बड़ी और लंबी आँखें हैं, इस प्रकार से कहते हैं, तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं बड़े लंबे टेढ़े के लिए, तो वो भी तिरछी दृष्टि जब इधर सामने होकर के इस तरफ देखेंगे तो एक ही बार में चारों तरफ देखेंगे, क्योंकि उनके लिए तो वो हजार दृष्टि, तो हम लोगों के लिए कहा तो हजार क्या अपार होते हैं, कहीं भी वो दिखाई देते हैं, इसलिए हम मूर्त रूप में कहना हो तो इस प्रकार कहना पड़ता है कि हाँ, तो ऐसे उसमें देखते हैं तिरछी दृष्टि से, तो उस समय कैसा लगता है, अति अनिया शोभे ऊपर, तो वो उनकी आँखों के कोने हैं ना, तो उसकी तीक्ष्णता है वो भी बड़ी सुंदर लगती है। शीतल करुणा अमी झरे, और उसमें शीतलता है, करुणा है, और अमी अमी रस बोलते हैं ना, तो एक प्रकार से वो अमृत रस है, कृपा की वर्षा है, प्रेम की वर्षा है, उस प्रकार से, तो वो अमी रस है, वो झरता है, गिरता है, तो अमी वृष्टि होती है। मंद भरे मद रंग भरे सुंदर, वो मद मस्त है, मद का तात्पर्य दूसरा मद नहीं है, जिस मद से थोड़ी देर के लिए होश भूल जाते हैं, तो वो मद नहीं है, वो प्रेम रस है, प्रेम का मद है, वो हमेशा अष्ट प्रहर 64 घड़ी सदैव, तो वो असर करता रहता है, तो ऐसे मादकता है। सोवत छैल छबीले, छैल छबीले बोलते हैं, तो ये उसके साहित्य में इस प्रकार की परंपरा है, वैसे ये शब्द थोड़े से ग्रामीण शब्द है, किंतु उनका प्रयोग होता है हिंदी साहित्य में। शैल छबीले कहते हैं अत्यंत सुंदर, ऐसे अत्यंत सुंदर उनकी शोभा है, कहा कहूँ सलोक, उनकी सुंदरता के विषय में क्या बताएं, शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकेंगे। ए नयन निरखे पीछे, ऐसे दृष्टि के दर्शन करने के पश्चात फिर क्या होगा,
हाय हाय जीवन हो तो भूख भूखा। बड़े खेद की बात है कि ये जीव है शरीर को धारण करके बैठा है, तो ये तो ऐसे दर्शन होने के बाद में तो शरीर को छोड़ करके सीधा उसको तो अपने मूल स्वरूप में जागृत हो जाना चाहिए। दया सिंधु सुख सागर इश्क गंज अपार। दया के सिंधु है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सुखों के सागर है, इसलिए उनकी कृपा दृष्टि भी उसी प्रकार की है। इश्क गंज अपार, उसमें प्रेम का गंज बोलते भंडार को, प्रेम का खजाना है, पूरा भंडार भरा हुआ है जिसका कोई पारावार नहीं है। शराब पिलावत नयनसों भक्ति रस में, क्या कहते हैं ये वो सूफियों में भी ये कहते हैं कि वो आँखों से वो उसमें नयनों से शराब पिलाते हैं। शराब का मतलब ये जो दारू पीते हैं वो नहीं है कि ये जिससे मस्ती आ जाती है तो वो कृपा दृष्टि पड़ती है तो फिर वो आत्मा मस्त हो जाती है, तो वो भक्त उसी मस्ती में रहता है, उसकी पूरी जिंदगी उसी मस्ती में वो बना रहता है। तो इस प्रकार साकी ये सिरदार, ये ऐसे प्रेम रस को पिलाने वाले शिरोमणि साकी हैं, पिलाने वालों को साकी बोलते हैं। छब फब इन नयनों के, नयनों की छवि और इतनी अच्छी सुंदरता उसमें, फबना मतलब अच्छा लगना, तो ऐसे अच्छे लगते हैं। जो रुआ देखे खोल नयना, जो आत्मा की दृष्टि खोल करके देखेंगे तो पता चलेगा। आठवां प्रहर न निकस से पावे आशिक अंग सुख चैना। अब ये दर्शन करने पर जो अपार आनंद का अनुभव होता है वो आठवां प्रहर आनंद निकलता ही नहीं है, तो ऐसी अनुरागी आत्माओं को हमेशा सुख और चैन का अनुभव होता है। प्रेम पुंज गंज गंभीर, तो प्रेम का पुंज भी पूरे प्रकाश का वो पूरा पूरा भंडार हो उसको, और गंज भी वो भंडार ही है, प्रेम का पुंज है। और ऐसे ये गंभीर भी है, नेत्र सदा सुखदाय, ऐसे उनके नयन का मलय बड़े सुखदायी हैं। जो रुआ मिलावे नयन नयनसों, जो आत्मा अपनी दृष्टि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दृष्टि के साथ में मिलाती है तो क्या होता है, तो चोट फूट निकसे अंगताए, उसके रोम रोम में तो वो चोट लग जाती है और रोम रोम फूट करके निकलते हैं, मतलब उससे प्रेम ही प्रेम प्रकट होता है, दूसरा कुछ दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देगी। शीतल दृष्टि मासुक के जासों हो ये सनकूल, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दृष्टि कैसे बड़ी शीतल है, और जासों हो ये सनकूल, वो दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हो ये आशिक इन स्वरूप की पाव पल न सके भूल, जो इन ऐसे दिव्य स्वरूप की आशिक, आशिक का अर्थ अनुरागी, जो आत्माएं ऐसे दिव्य स्वरूप की अनुरागिणी होती है वो एक पल के चतुर्थ अंश जितना समय भी उनको भूलती नहीं है, सदैव याद करती है, मतलब रोम रोम में बसा लेती है। तो जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होते हैं तो वो तो हमेशा उनके रोम रोम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठ जाते हैं, तो उनकी दृष्टि अथवा उनके, ये तो नयनों की बात कर रहे हैं, बाकी दूसरे अंगों की बात की तो वहाँ भी इसी प्रकार की बात आ जाती थी, तो उनके अंग रोम 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 में वही स्वरूप बैठा रहता है। अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पाव पल न सके भूल, शीतल दृष्टि मासुक की, जासो होये सनकूल, होये आशिक इन स्वरूप की, आओ पल न सके भूल,
आओ पलन सके भूल।